नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बीच लोक भवन में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। एनडीए के विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा में जो कार्यवाही होने वाली है उसको लेकर पार्टी की रणनीति है उसको लेकर बैठक हुई, जिस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक को संबोधित किया। सभी विधायक सदन में ज्यादा से ज्यादा समय दें, इसके निर्देश हैं। इस बार के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल भी लाए जा रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर जमकर हमलावर है। इस बीच एनडीए के विधान परिषद विधानसभा सदस्यों की यह महत्वपूर्ण बैठक थी। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और पार्टी ने आने वाले सत्र को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा की। सितंबर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और ठीक एक दिन पहले आज लोक भवन में एनडीए विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहे, जहां एनडीए के विधान परिषद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों ने इस बैठक में सहभागिता निभाई। आपको बता दें, सभी विधायकों को निर्देश है कि पूरी संख्या में विधानसभा के सत्र के दौरान उपस्थित रहे और सत्र को ज्यादा से ज्यादा समय दें। एनडीए के विधान परिषद और विधानसभा सदस्यों की यह बैठक थी, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, कल सत्र शुरू होने जा रहा है, एक तरफ विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हमलावर है, वही एनडीए दलों के तमाम नेताओं की आज जो बैठक हुई इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आया, क्या रणनीति है सरकार की? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो महत्वपूर्ण मानसून सत्र है वो कल से शुरू होने जा रहा है। यह मानसून सत्र है, लेकिन पूर्ण संभावना है कि विधानसभा के अंदर का जो माहौल होगा वो पूरी तरह से गर्म होगा। जैसा कि आज दो दो बैठकें हुई है, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है विधानसभा के अंदर और दूसरा सर्वदलीय बैठक हुई है। सभी दलों के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी लोगों ने अपनी बात कही और विधानसभा अध्यक्ष के सामने यह बात रखी गई कि सत्र जो है वो सुचारू ढंग से शुरू रहे और वहां पर एक स्वस्थ बहस हो वहां पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक
यानी योगी आदित्यनाथ ने एक लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक अपने सभी जो सहयोगी दल है उनकी बुलाई थी, आप उसको एनडीए भी कह सकते हैं, उसमें जो निषाद पार्टी थी और अपना दल है, अभी फिलहाल दो ही पार्टियों के सहयोग से जिनकी संख्या है विधानसभा में ये सहयोगी दल है भाजपा के, देखा जा रहा था लोकभवन में जो प्रमुख मंच है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी अपने सहयोगियों को वहां पर स्थान दिया गया था, वहां पर डॉक्टर संजय निषाद भी बैठे हुए थे और आशीष पटेल बैठे हुए थे अपना दल से, और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रदेश के बैठे हुए थे जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ही वो नेता हैं। इस हिसाब से इस बार के विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि जब कल 19 तारीख से जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले जो दिवंगत सदस्य हैं इस विधानसभा के उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और जब 20 तारीख को यानी कि परसों ऐसे सदस्य जिनके जिनके जन्मदिन है, ये पहली बार यह चीज विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सतीश मानन उन्होंने शुरू किया है कि जो भी माननीय सदस्य हैं अगर उनका जन्मदिन है तो वहां पर उनको बधाई दी जाएगी सदन में, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ये सब चीजें हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात जो पहली बार मतलब पूरे देश के इतिहास में आजादी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि 22 तारीख को जो महिला सदस्य है वह अपनी बात रखेगी, और सिर्फ महिला प्रश्न जो ये आवर होगा उसके बाद जब यह 22 तारीख को जो सदन चलेगा उसमें महिला अपनी बात रखेंगी, महिला सदस्य अपनी बात रखेंगी, और 3 मिनट से कम कोई भी महिला सदस्य अपनी बात नहीं रखेंगी, लगभग 3 मिनट तो सबको बोलना है, वो सरकार के किन विषयों पे बोलेंगे, किसी भी मुद्दे को उठा सकती है, अपने क्षेत्र के मामले को उठा सकती है, महिला सशक्तिकरण विषय को भी वो उठा सकती है, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, अगर इसमें कहीं कमी है तो जो विपक्ष की भी जो महिला सदस्य हैं उनको भी पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का युग है, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि महिलाएं सिर्फ उस दिन महिलाएं बोलेंगी, अपनी बात सदन में महिला रखेंगी और 3 मिनट कम से कम अपनी बात रखनी है, बहुत बड़ी एक पहल है। और साथ में जिस तरह से ऐलान किया गया, अखिलेश यादव ने कहा है कि कल वो अपने कार्यालय से पार्टी कार्यालय से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे अपने संपूर्ण विधायकों के साथ, तो बहुत जबरदस्त ये माहौल देखने को कल मिलेगा कि किस तरह से विपक्ष पैदल वॉक करके विधानसभा पहुंचता है और सरकार जो है अपने बातों के लिए सबसे बातचीत कर रही है, बैठकें कर रही है। हालांकि आज की जो बैठक हुई है उसमें कहा गया कि निश्चित रूप से राघवेंद्र देखने वाली बात होगी कि कल जो विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें क्या कुछ होता है, हंगामेदार होने के अनुमान लगा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र विस्तृत जानकारी के लिए। तो 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है, दिन काफ़ी सीमित है लेकिन इन दिन कितने सार्थक साबित होते हैं, जनता के कितने मुद्दे उठाए जाते हैं या फिर गहमा गहमी में ये सत्र भी निकल जाता है, ये देखने वाला विषय होगा।